मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री को नमस्ते गोपाल भैया के पीछे सबका राज कर्ज में एक क्षण से उतार दे रहा हूँ। एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं जिद्दी जी का कर्ज उतार दे रहा हूँ, उसके बाद करता पड़ा। कि नाम जिद्दी इनका बड़े ही जिद्दबाज है ये, ढूंढने पे आपको ये मिलते बिहार है। वाह, नाम जिद्दी इनका बड़े ही जिद्दबाज है ये, ढूंढने पे आपको ये मिलते बिहार हैं। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। तो मर्द न समझिएगा दाढ़ी मूछ देखकर। तालियां अब चाहिए थी। मर्द न समझिएगा दाढ़ी मूछ देखकर, ताली वाली बजाते रहिएगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में उतार लेता है कि पत्नी हो रणचंडिका, मेहरी हो रणचंडिका, चोटा ससुरासार। ये इशारा आपका खतरनाक है। कविता तो बहुत अच्छी है, इशारा गलत जगह कर रहे हैं। जिद्दी जी के तरफ मत देखिए, आप हमसे कविता सुनिए केवल। कि पत्नी हो रणचंडिका, छोटा ससुरासार, मिले सांस खूंखार, जब तब होता अवतार, फजीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी फजतानंद महाराज की जय। अच्छा आप लोग भी मान गए कि मैं अच्छा कर रहा। तो मैं कह रहा था कि वो गोपाल जी की रोज बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों आप देख रहे हो, देख मीडिया में तमाम लोग आ रहे थे। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है देश में। आखिर इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कानून से सजा से अब धीरे धीरे डर कम हो गया है। सजा कुछ इस तरह से निर्धारित कर दी जाए, और मैं जो बता रहा हूं वो अगर सजा निर्धारित कर दी जाए तो इस सिलसिले पर पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा, कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। क्या सजा होनी चाहिए मंत्री जी, मैं आपके चरणों में रखता हूं, क्या सजा होनी चाहिए अगर इस तरह कृत्य करते हुए कोई पकड़ा जाए तो? कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, ले जाके अस्पताल में बधिया कराइए। अभी फिर छेड़ रहे हैं जिद्दी जी, इतना चिल्ला चिल्ला के कविता पढ़ रहे थे, मुझे डर लग रहा था। मेरे बगल में, मेरे गांव में, मेरे घर के बगल में एक यादव जी, उनकी पढ़िया रात भर चिल्लाई, सुबह मर गई। इनकी भी सूरत उससे मिलती जुलती है। चार पंक्ति और छेड़ रहे हैं। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है, दरअसल में जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं है। कहो जरा भोजपुरी में कि लूर रुफुत बाई मोले पर जाए, तो जिसकी जो आदत पड़ जाएगी, ले लो संस्था के कोर्स में डाल दिया। हमारे सामने केहू पैसा देला तो हम ये सजेशन दे ले। आओ तो संस्था का नुकसान क्यों करना है, कम से कम 200 रुपया तारा पेमेंट भर के तबाटे। चलिए हम तो मैंने संस्था के तरह से मेंबर टाइप के बानी पता कर, हो वही से वही से ना उतना दिया था ना, बाकी लोग तो वो ना दिया ही। दरअसल
बार बार अनिल भाई छेड़ रहा बड़ा ना हम काहे के छेड़ जाई हम इतना टेस्ट खराब बा हमार जेकर हम रुआ हमर छोट भाई है हम बहुत लिखी जा छ एगो बात बता दें कि उच्चता में हम अनिल भाई जरूर भिन्न भिन्न बन गए लेकिन निचता में दोनों आदमी एक्के बरोबर हैं। एक रचना पढ़ के अरे हम कहनी है सुनावे के बाप आप सुनाई अब तक जकरा जाए बहुत चल गए जिद्दी जी जो छेड़त बार बार छेड़त रहन तो मैंने जेकर जो आदत पड़ जाला जाला ना हमारा गाँव में तरकारी वाला के यहाँ बच्चा पैदा हो गए सुबह सुबह मेरे घर आया उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है जिसकी जो आदत पड़े। एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई, जब हिंदी के अध्यापक की शादी हुई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में जब अध्यापक हिंदी के कमरे में पहुंचा उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी मेरी बाहों की कक्षा में कदा प्रवेश नहीं करेंगे। एक घटना हो जाता थी कि मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हो गई। अब जब दरोगा जी की शादी हुई प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम अपने विषय में सच सच बताओ वरना थर्ड डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगे। पत्नी सच सच बताती शादी। वाकई आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, एक बार अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आप जितना बढ़िया सुन रहे हैं मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक रचना भोजपुरी के लिए आदेश हो रहा है। आपने बड़ा प्रयोग सुना, गांधी हमारे होठ पे नाथू हमारे दिल में है। गांधी हमारे होठ पे नाथू हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। भोजपुरी की कविता कि बापू के बानर ना हम चुप रहब, बापू के बानर ना हम चुप रहब, देखब सुनब जौन तौन तौन कहब, अधिका का करब हमरा के मरब, अधिका का करब हमरा के मरब, रे फजीहत के अब का फजीहत तू करब, तोहरा के खीर पूरी हमरा के भाषण ये है शासन, तोहरा के खीर पूरी हमरा के भाषण ये है शासन, हमरा के पाठ एकता के पढ़ेब अपने तो रोज नया पार्टी बनेब, हमरा के पाठ एकता के पढ़ेब अपने तो रोज नया पार्टी बनेब, धन बड़ा नेताजी धन महिमान काहे ना कहब तू भारत महान, ठेहुने भर पानी ब खूब कटा चानी, ठेहुने भर पानी बा खूब काटा चानी, मिलल बा कुर्सी कर मन मानी, मड़ई मोहाल मोहे तोहके इंद्रासन ये शासन, का खाई गैया बछवा बेचारा, का खाई गैया बछवा बेचारा, हऊ हथियार देख खा गई चारा, का खाई गैया बछवा बेचारा, हऊ हथियार देख खा गई चारा, राक्षस समय रहे खा गई लखाद, राक्षस समय रहे खा गई लखाद, यही खाती भइल बा देश आजाद। अरे नेता सुभाष रहले बिस्मिल उधम देश खातिर खा गेले गोली अबम, नेता सुभाष रहले बिस्मिल उधम देश खातिर खा गेले गोली अबम, आज बेशरम है पिए किरासन ये शासन, वाह वाह वाह, थाना में रजिया के इज्जत लुटाई पेपर में आए पत्रकारों पिटाई जाए। मीडिया वाला लोग माफ करी कि थाना में रजिया के इज्जत लुटाई पेपर में आई पत्रकारों पिटाई, निकलल दरोगा जब मंत्री के साला मेडिकल रिपोर्टों में भइल घोटाला, निकलल दरोगा जब मंत्री के साला मेडिकल रिपोर्टों में भइल घोटाला, माइंड डिस्टर्ब रिपोर्ट रहे लागल एमे पढ़ल बेटी हो गई पागल। वाह 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 बहुत खूब, माइंड डिस्टर्ब पर रिपोर्ट रहे लागल एमे पढ़ल बेटी हो गई पागल, तो के को हरेबो, के को हरेबो जब कृष्ण दुशासन ये है शासन, हॉस्पिटल सरकारी से सब ही डराता जहां दवाई ने डॉक्टर भेटाता, हॉस्पिटल सरकारी से सब ही डराता जहां दवाई ने डॉक्टर भेटाता, ड्यूटी के छोड़ करे घरे प्रैक्टिस देखला के लेबे ले 500 फीस, ड्यूटी के छोड़ करे घरे प्रैक्टिस देखला के लेबे ले 500 फीस, नीचे से ऊपर तक जुड़ल बनाता गलती बापन अभी है बुझाता, अरे मर्सी जे काण के लही उठो, मर्सी जा कान के ला है उठा डंकल के चोटा, हर्षद के रोट है बिजली कटौती है कुर्सी पर पौती है हल्ला बोला घोटाला तरकोल है, प्याज महंगाई है घोटल दवाई है हैदर बदल आई ओकर हल है, प्याज महंगाई है घोटल दवाई हैदर बदल आई ओकर हल है, अब्दुल्ला बुखारी उन संत ब्रह्मचारी उन बाबरी मस्जिद है राम जन्मभूमि है अल्लाह इस्लाम है खतरा में जान है जात है बड़का है। अरे वाह वाह,
मर्तजा काल के लाहा ओठ डंकल के चोटा हर्षद के नोठा बिजली कटौती है कुर्सी बपौती है अल्लाह बोला घोटाला तार कोला प्याज महंगाई है घोटल दवाई है हैदर बदलाई ओकर हल अब्दुल्ला बुखारी हो संत ब्रह्मचारी हो बाबरी मस्जिद है राम जन्म भूमि है अल्लाह इस्लाम है खतरा में जान है जात है बड़का है जात है छोटका है रक्षण आतंकवाद है समझवाद है राम जी के रथ है गन्ना के रसा चरवाहा स्कूल है अखाड़ा के धूल सोना के कुर्सी है खूब देर बैठ है बुझ कर चल पाँच बरिस ये भजियत का हमारी जी कोशिश की जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति राजवाला, जितना हो सके मैं मंगल पांडे की किसी पावन धरती गढ़ा जो से ही और मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि पहली बार गढ़ा विकास मंच द्वारा हमारे क्षेत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं भैया गोपाल राय जी और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये यूपी और बिहार का संगम है भरौली और यहाँ पे मुझे काव्य पढ़ का अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को पूर्वांचल का ऐतिहासिक कवि सम्मेलन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। जय लोग जानते जानते थे और उनके आशयात को सुनते थे समझते थे। ये हिंदी और छुट्टी है और इससे काफी लोग दूर भी।